हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज लेके आई हूँ, जो आप बैठकर अपने घर पर अपने बेड पर बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कितना बार होता है ना कि हमारा पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, बिल्कुल मोटा मतलब लगने लगता है, आपको इस तरह झुकने में नहीं बनता, बैठने में नहीं बनता है, इस तरह हो जाता है। तो आज मैं सिर्फ पेट के लिए लेके आई हूँ, जो बहुत ही अच्छा है, जिसे आप आराम से अपने घर पे बैठ के कर सकते हो, अपने बेड पे कर सकते हो। और अगर आप रात में करते हो तो इसे खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लेना, और अगर दिन में करते हो तो खाना खाने के हमेशा 2 घंटे के बाद करिएगा। तो इसे करना है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरीके से बिल्कुल सिंपल बैठ जाना है। पहले बैठने के बाद अपने हाथों को बिल्कुल इस साइड से मैं करके दिखाती हूँ आपको, अपने हाथ इस तरीके से आपको अपने हाथों को पूरा ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल स्ट्रेच ऐसे डालना है, थोड़ा खिंचाव देना है और सांस लेना है, सांस भरना है कस के। आराम से सांस लीजिए, सांस फिर छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर झुकना है, बिल्कुल आराम आराम से, जितना नीचे आप झुक सकते हैं उतना झुकना है। अपने सिर को पूरा बेड से मतलब गद्दे से आपको लगा देना है, इस तरह पूरा नीचे लगाने के बाद धीरे धीरे फिर आपको आना है, बिल्कुल फिर अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है, एकदम टाइट टालना है, फिर आराम से आप नॉर्मल आ जाइए। और इस तरह जब हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, इसी तरह अपने हाथों को पूरा ऊपर लेके जाना है, बस आपको इस साइड से थोड़ा सा इस साइड घूमना है, घूम कर फिर अपने हाथों को नीचे लाके इस तरह से जितना हो सके उतना खिंचाव दे के आगे की ओर झुकना है, जितना झुक सकते उतना आपको झुकना है, फिर आराम से आपको आ जाना है। और जब इस तरह आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका साइड में इधर बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है, तो इस साइड से भी हमें उसी तरह करना है, इस साइड से भी अपने हाथों को टालना है, जैसे हमने आगे की ओर झुका, साइड में झुका, अब हम इस साइड झुकेंगे। तो इसके लिए आपको अपने हाथों को लेना है, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, तो झुकना है फिर सीधा हो जाना है। मैं सीधा होके आपको दिखा देती हूँ कि पूरा नजर ना आता हो, तो मैं सीधा बैठ के आपको बीच का तो मैंने दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको अपने हाथों को लेके जाना है, इस साइड थोड़ा सा इधर घूमना है और इस साइड से नीचे की ओर झुक के अपने हाथों को बिल्कुल इस तरह से नीचे सटाना है, फिर आराम से आपको इस साइड से आ जाना है। तो इसके बाद आपको जितना बहुत ज्यादा मतलब जितना पूरा मुड़ सकते उतना आपको मुड़ना है, इसी साइड इसी तरह बैठे रहना है, बिल्कुल हमारा पैर नहीं हिलेगा, पैर आपका इसी तरह रहेगा। जैसे हम एक बार इस साइड से आए, इस साइड से जाना है आपको, फिर इस साइड से हम गए, अब हम बिल्कुल पीछे की ओर जाएंगे, जितना हमारा मतलब जा सके शरीर उतना हमें लेके जाए। हम इस तरह से फिर अपने हाथों को टाइट करेंगे, इस तरह से घूमेंगे और इस साइड से आपको झुकना है, जितना आप जा सकते उतना ही जाना है, फिर सीधा आ जाना है, फिर अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है, फिर सांस लेना और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल सिंपल है, बस इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल खिंचाव आएगा आपके साइड में जब आप इस तरह से हाथ करके एक बार इस साइड जाना है, फिर इस तरह से पूरा खिंचाव देना है आपकी साइड पीछे में, और बैठे बैठे आप ये कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। हाथों को ऊपर लेके जाना और नीचे में बस साइड में मुड़ना है, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। अब हम क्या करेंगे इसमें, आप तो अब आपको अपने हाथों को इसी तरह से ऊपर लेके जाना है और इस तरह से जितना दूर जा सकते हैं जाना है, फिर इसी तरह से आपको नॉर्मल आ जाना है, बस ये बैठे बैठे बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह से मोड़ना है, बैठना है यहाँ पे और इसी तरह बैठ के 1 इस तरह से आपको उठना है और 10 बार 20 बार या 30 बार आपको करना है बैठे बैठे, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। 1 2 3 हाथों को ऊपर भी रख सकते हैं इतना, 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल इसी तरह से एकदम सिंपल से करना है और कुछ नहीं।
तो एक बार साइड से करना है, फिर इस तरह से करना। और अगर आपको इस तरह से बैठने में दिक्कत होता है, जैसे आपको ब्रजासन में बैठने में अगर आपको इस तरीके से बैठने में दिक्कत होता है, तो आप यहाँ पे एक पिल्लो रख सकते हैं अपने पैरों पर, किसी भी तकिया को रख के आप आराम से फिर आराम से इस तरह से उठकर बैठ सकते हैं। क्योंकि पिल्लो रहेगा तो आपको पूरा नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक तकिया लगा सकते हैं अपने पैरों के पास। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, सिंपल सा है, आप अपने घर पे अपने बेड पे बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। फिर आपको आराम से आ जाना है, इसी स्थिति में बैठ जाना है, क्योंकि ब्रजासन में हर कोई बैठ के नहीं कर पाता है। तो आपको बाद आपको क्या करना है, आप आराम से बैठ के अपने हाथों को इस तरह से लेके इस साइड से पूरा आपको झुकना है, जितना आप टांग सकते हैं अपने हाथों को इस साइड से उतना आपको इस साइड झुकना है। फिर इस साइड भी आपको इसी तरह से झुकना है, कम से कम 10 बार आप इस साइड कर लीजिए और 10 बार आप इस साइड कर लीजिए। इस तरह से आप 20 बार दोनों साइड से कर सकते हैं, जैसे 10 इधर 10 इधर। तो इस तरह से आप बैठे बैठे बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने घर पे अपने बेड पे छोटी छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इससे आपके पेट पे बहुत ही अच्छा असर होता है, आपका पेट इससे जिस साइड पूरा साइड से कम होगा। तो आप कोशिश करें, देखें अपने घर पे करके, आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे भी करिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।